हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले पोको X3। ये फ़ोन में प्रॉब्लम है, सेट डेड है। हमने पूरा इसका सर्किट डायग्राम चेक कर लिया है और पूरी वैल्यू चेक कर ली है। सीपीयू वोल्टेज नहीं बना रहा है, तो वीडियो स्किप नहीं कीजिए, आपको हम पूरा बताने वाले इस वीडियो में। वीडियो स्किप नहीं कीजिए, हम पूरा बताने वाले इस वीडियो में कि किस तरीके से प्रॉब्लम ये रिजॉल्व किया जाता है। अगर यदि आपके पास पोको X3 है कोई फ़ोन रिपेयर करने के लिए, तो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हमें इसे ग्लू पूरा क्लीन कर लेना है, वाइट वाला जो अभी था ग्लू हमने पूरा क्लीन कर चुके हैं, और उसके बाद पोजीशन सही रख देते हैं। अभी हमको कटिंग करनी है, क्योंकि कटिंग क्या करनी है, ये जो आजू बाजू ग्लू है जो अभी हम काट रहे हैं, ये ग्लू हमें प्रॉपर कट कर लेना है। तो उससे क्या होगा, जब हम सीपीयू उठाएंगे उसका, तो हमारे जो कंपोनेंट है वो ऊपर नहीं आएंगे सीपीयू के साथ, जो हमारा प्रोसेसर है उसके साथ। और अभी तक के आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा ले। अभी हमने UFS चिप पे टेप इसलिए लगाया गाइस के IC जब हम निकाले उसका सीपीयू प्रोसेसर जो है, तो UFS चिप को हीट ना लगे, UFS चिप डैमेज ना हो। तो जो बॉल ड्राई होते हैं इसी कारण होते हैं, हीट की वजह से जो प्रोसेसर ये है वो हीट बहुत ज़्यादा आता है, इसकी वजह से इसका प्रोसेसर वो हो जाता है, ड्राई हो जाता है प्रोसेसर उसकी वजह से। तो बस ये देख लीजिए, अभी हमने प्रोसेसर उतार चुका है इसका, अभी हम इसको फटाफट क्लीन कर लेते हैं। पहले डिसोल्डरिंग वायर की मदद से क्लीन कर लेते हैं और आयरन की मदद से। तो ये देख लीजिए, अभी हम क्लीन कर रहे हैं, थोड़ा वेट करते हैं। इस तरीके से प्रॉपर क्लीन कर लेना है, साफ सफाई सब कर देनी है। एक बार और हम डिसोल्डरी वायर की मदद से क्लीन कर देते हैं PCB को, उससे होगा कि हमारा जो सरफेस एकदम प्लेन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से जब हम CPU बैठाएंगे दोबारा बॉल बना के, ये जो नए व्यूवर देख रहे होंगे उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा ये सब क्या हो रहा है काम, तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो बस इसी तरीके से ये फ़ोन रिपेयर करना है हमें। अगर आपके पास कोई फ़ोन होगा रिपेयर करने के लिए, तो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। आपके पास पोको X3 ना हो, कोई और दूसरा मॉडल भी हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस फटाफट हमारा ये हो चुका है मदरबोर्ड क्लीन। अब हम आ जाएंगे CPU पे, CPU क्लीन करेंगे, थोड़ा सा इसको और अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। आजू बाजू कंपोनेंट में कुछ तो कचरा नहीं पाता है, सब बढ़िया ओके हो चुका है, बस ये कहीं कहीं शॉर्टिंग है, ये शॉर्टिंग हम निकाल लेंगे आखिरी में। चलिए अब आ जाते हैं हमारे प्रोसेसर पे। प्रोसेसर को का मसला ऐसा है, पूरा ग्लू हमें इसका कट करना पड़ेगा ये टूल की मदद से, तो थोड़ी हीट देनी है हमें हॉटर गन से, और ये इजीली कट हो जाएगा जैसा आप देख पा रहे होंगे। तो ये इजीली एकदम सफाई हो जाएंगी हमारे प्रोसेसर की। फिर उसके बाद हमें डिसोल्डर वायर की मदद से इसे क्लीन करना पड़ेगा थोड़ा पेस्ट लगा के। देख लीजिए, अभी पेस्ट लगाया हूँ, कहिए से मैंने एक बार शोल्डर वो कर लिया नरम, इसके बाद डिसोल्डरिंग वायर की मदद से इसे क्लीन कर लेना है। और जो पॉइंट हमारे क्लियर नहीं होंगे वो भी क्लियर बाद में हो जाएंगे, हम ये साइड से कहीं से इसलिए साफ करें कि हमारा CPU एकदम प्रॉपर चौरस दिखे, ठीक है। तो अभी हम इसको फटाफट और क्लीन कर लेते हैं तार की ब्रश की मदद से, जितने भी कार्बन वाले पॉइंट है जो ड्राई है वो अनड्राई हो जाएंगे, यानी इसका पूरा कचरा बाहर आ जाएगा। देख लीजिए, हमारा CPU भी कुछ थोड़ा बहुत छीला हुआ है, तो उसे भी हमें क्लीन करना पड़ेगा। जैसे आप देख रहे होंगे CPU हल्का सा छीला हुआ है, तो इसे हमें सही करना पड़ेगा। देख लीजिए, इस तरीके से हम इसमें UV ग्लू लगा रहे हैं, इसके बाद UV लाइट मारेंगे, फिर उसके बाद ये पूरा सूख जाएगा। ये हमारा UV लाइट है, ब्लू कलर का टाइप का रहता है, ये देख लीजिए ये ग्लू सूख चुका है जो हमने मारे। अब इसके ऊपर हम कितना भी हीट मारेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गाइस, क्योंकि UV लाइट का काम ही वही रहता है। अब हम CPU रिवॉल्व करने वाले हैं, फटाफट CPU रिवॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले पुट्टी लगाएंगे होलसोल मिला के और हीट मारेंगे बॉल। अरे यार, ये बॉल बिगड़ गए हैं हमारे, कोई बात ना ले, ऊपर से हम कहिया मार के उसको फिर से कटिंग करके फिर से बना देंगे बॉल, वहीं के वहीं रिपेयर कर देंगे, ऐसा दोबारा ऐसा CPU उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें बाहर साफ करने। एक बार और PPT लगा लेते हैं, कभी फर्स्ट टाइम पे एक बार में हो गया रहता बढ़िया हो जाता था काम का। अभी ये बॉल हमारे प्रॉपर बन चुके हैं, तो देख लीजिए आप, एक जैसे बॉल बननी चाहिए, जब भी जैसे मोटे बन गए थे स्टार्टिंग पे वैसे नहीं बनने चाहिए, थोड़ा पेस्ट लगा के हीट मार देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा CPU ठंडा होने देते हैं हल्का सा। ये हो चुका है हमारा CPU ठंडा, अब उठाते हैं और ये देख लीजिए, यहाँ पे CPU की जगह भी जब भी शॉर्ट था तो हमने इसको क्लियर कर चुका है, ठीक है।
तो अभी ये देख लीजिए, अभी डॉट बराबर लगाना है, जहाँ से आप निकाल रहे हो आईसी का डॉट वहीं लगाना है, यदि नहीं तो आपका फ़ोन डेड हो जाएगा और कुछ प्रॉब्लम आएंगी। ठीक है, आईसी का डॉट जो भी आप प्रॉपर निकाल रहे हैं तो प्रॉपर जगह पे लगाइए। तो देख लीजिए, ये हमारा हो चुका है, सीपीयू बैठ चुका है। पेस्ट बाहर आने का मतलब ये रहता है गाइस कि आपका सीपीयू प्रॉपर बैठ चुका है। तो चलिए बस के थोड़ा ठंडा होने देते हैं और थोड़ा वेट कर लेते हैं। वेट इसलिए करना है हमें क्योंकि थोड़ा बोर्ड जब गर्म रहता है तो थोड़ा बोर्ड को ठंडा करना पड़ता है हमें। देख लीजिए, टेप था लगा हुआ है, टेप निकाल रहे हैं हम। गंदा इसलिए रहने दे रहे हैं कि आपको हम वीडियो में आगे बताएं। देख लीजिए, गंदा ही बोर्ड है, हम गंदा इसलिए रहने देते गाइस आपको दिखाने के लिए कि यही बोर्ड पे काम हुआ है, हम साफ़ इसलिए नहीं करते। लगे तो हम जब फाइनल फिटिंग करते हैं तो फिर साफ़ कर देते हैं। तो ये हम गंदा इसलिए रहने देते कि आपको दिखाने के लिए कि हमने जो बोर्ड बनाया है वही वीडियो बता रहे हैं आप। अभी देखते हैं हमारा डेड फोन था ये ऑन हो रहा है कि नहीं है। ठीक है, ये एक नट लगा देते हम यहाँ पर भी, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो फ़ोन है वो डेड से ऑन हो जाएगा कि नहीं वो देख लेंगे। ये नॉर्मल फिट कर रहे हैं अभी हम, और उसके बाद ये ऑन कर दिए हमने। देख लीजिए, हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। अगर यदि आपने अभी तक के हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द कर ले और नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिए, आपके पास कोई फ़ोन रिपेयर के लिए होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय। एक बात और, हाँ, अगर आपको कोई लगता है दूसरे मॉडल पर वीडियो बननी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट ज़रूर कीजिए। चलिए बाय।